ये देखिए फ्रेंड्स जबरदस्त धुआँ निकलती हुई गरम गरम और बहुत ही टेस्टी ढावा स्टाइल एकदम इतनी स्वादिष्ट यदि एक बार बनाई तो रोज़ बनाने का मन करेगा शाही अंदाज में नए स्टाइल से तो फ्रेंड्स ये देखिए मुंह में घुल जाने वाली कोफ्ते की देसी अंदाज से सब्जी तो फ्रेंड्स आज हम लेके आए हैं बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी तो मैं पुष्पा राजपूत स्वागत करती हूँ अपनी आज किचन में तो बस फ्रेंड्स इंतज़ार आपका हुआ ख़त्म हम चलते हैं अपनी आलू कोफ़्ते की सब्ज़ी को बनाने तो आपने गोभी के कोफ्ते खाए होंगे लौकी के कोफ्ते खाए होंगे पर मैं आज आलू के कोफ्ते बना के दिखाऊँगी फ्रेंड्स क्या होता है कि हम लोग जब डेली एक एक तरह की सब्ज़ी खाते रहे तो बोर हो जाते हैं तो मैंने आज सोचा कि क्यों ना मैं आलू की ऐसी सब्जी बना के दिखाऊँ जो आपने आज तक बना कर के खाई भी नहीं होगी और आपने खाई भी होगी तो जहाँ तर या तो शादियों में या फिर आपने रेस्टोरेंट में ऑर्डर करके खाई होगी तो चलिए फ्रेंड्स आज बनाते हैं घर पे ही आलू सबके घर में ज़्यादातर मिल जाता है क्योंकि आलू तो भैया सब्जियों का राजा होता है कुछ मिले या ना मिले लेकिन आलू ज़रूर मिलेगा तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने ले लिए हैं आलू और आलू को धुल करके मैंने रख दिया बॉयल करने को और आपके जिस साइज के आलू हैं उस तरह से आप सीटी लगा लें तो उसके लिए मैंने सामग्री ली है देखिए बेसन और मैंने एक प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्च और हरा धनिया और मैंने थोड़ा सा लिया है चिली फ्लेक्स तो सबसे पहले देखिए आलू को मैंने बॉयल कर केन का छिलका उतार लिया है और हम आलू को इस तरह से मेस कर लेंगे और हम इसमें डाल लेंगे चॉप किया हुआ हरी मिर्च हरा धनिया और प्याज यदि आप प्याज खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप प्याज को मत डालिए ये ऑप्शन है तो मैं इसी तरह से और ये देखिए फ्रेंड्स मैंने थोड़ा सा ज़रा सा तिल डाल दिया है इससे और भी स्वाद बढ़ जाएगा और मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया है चाट मसाला ये भी ऑप्शन है यदि आपको पसंद नहीं है तो आप चाट मसाला डाल सकते हैं या फिर आपको पाव भाजी मसाला पसंद हो तो आप उसको थोड़ा सा डाल लें और हम सारे सामग्री को इसको अच्छे से आलू में मिक्स कर देंगे और आपको फ्रेंड्स क्या करना है यदि इसको आपको बहुत ही क्रिस्पी बनाना है तो आपको इसमें ज़रा सा एक चम्मच ऑयल डाल देना फ़िलहाल मैंने नहीं डाला हुआ मुझे क्योंकि कोफ्ते सॉफ्ट ही पसंद हैं तो मैंने आपको बता दिया जैसे भी आपको पसंद है तो अब हम चलते हैं अपनी ग्रेवी के लिए मसाले तैयार करने तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने लिया है धनिया जीरा सौंफ और हम इसको धीमी आँच में थोड़ा सा भूज लेंगे इससे क्या होता कि हम जब मसाले इस तरह से कर करके सब्जी में पड़ते हैं ना तो सब्जी का स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है तो आपको इसी तरह से मसाले डालना है मैं थोड़ा सा धीमी आँच में इसको भूंज लूंगी और इसके बाद भूंज करके इसका पीस करके मैं पाउडर बना लूँगी आप चाहे तो इसको मिक्सी में पीस सकते हैं पर मैं क्या करूँगी कि जो ईमानदस्ता होता है ना जैसे अदरक कूटते हैं मैं उसी में कूट करके इसको यूज करूँगी धीमी आँच में देखिए हमारे मसाले भुन चुके हैं ये हल्के खुशबू भी देने लगे हैं अब हम दूसरी जो हमें मसाले की ग्रेवी बनाना है वो भी तैयार कर लेंगे तो मैंने दो ली है प्याज उसको काट लिया है और इसी में डाल लेंगे हम अदरक लहसुन और हरी मिर्च स्वाद के अनुसार जितना आपको तीखा पसंद हो और इसी में डाल देंगे हम टमाटर काट करके और इसका हम पीस करके तैयार कर लेंगे तो अब फ्रेंड्स चलते हैं हम और दूसरा काम करने तो हमने जो पहले भी बताया था कि बेसन लिया हुआ है तो बेसन का हम घोल तैयार करेंगे तो बेसन में आपको डालना है अजवाइन यदि आपको अच्छा पसंद नहीं है तो आप जीरा डाल सकते हैं यदि कुछ भी पसंद नहीं है तो आप खाली नमक भी डाल सकते हैं और हमने इसमें पानी डाल करके इसका घोल तैयार कर लेंगे जैसे हम लोग पकौड़ी बनाते हैं ना उसी तरह से इसमें एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए इस चीज़ का आप ध्यान रखें हमें अच्छे से फेंट करके इसको तैयार कर लेना है तो ये देखिए ये हमारा घोल एकदम रेडी हो चुका है और हमने आलू की जो बॉल बनाई हुई थी अब आपको क्या करना है इसमें डिप कर देना है इस तरह से इसको ऊपर नीचे करके अच्छे से चारों तरफ से इसको मिला लेना है अब आपको करना है एक कढ़ाई में गरम ऑयल और आपको इसी चम्मच के हेल्प से ही और यदि आपको चम्मच से नहीं बन रहा है तो आप इसको हाथ से भी डाल सकते हैं आपको जैसे भी शब्दा समझ में आए उसी हिसाब से आँच को रखें मीडियम आपको बहुत ज़्यादा तेज नहीं रखना है मीडियम ही रखना है और वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है हमारे आलू ऑलरेडी पके हुए हैं बस इसका जो ऊपर का हमने बेसन का बैटर चिपकाया हुआ है बस इसको पकाना है और इसको निकाल लेना है तो ये देखिए मैं चम्मच के हेल्प से इस तरह से उलट पुलट करके इसको धीमी आंच में सीख लूँगी तो फ्रेंड्स इसकी जो आप सब्ज़ी बनेगी वो बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होगी और आप लोग बना करके ज़रूर देखें और फ्रेंड्स मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि यदि आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरे जो वीडियो हैं आप तक पहुँच सकें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए और रेसिपी अच्छी नहीं लगी तो आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने सारी बॉलों को डाल दिया है और आप जितने लोगों को बना रहे हैं उसी हिसाब से आप सामग्री को ज़्यादा कर सकते हैं तो ये देखिए हमारे बॉल्स पक रही हैं फ्रेंड्स मुझे खाना बनाना बहुत ही पसंद है और मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत ही कम समय में और बहुत आसान तरीके से रेसिपी बना के आप लोगों तक पहुँचा सकूँ तो फ्रेंड्स यदि मुझसे कुछ गलती भी हो जाती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और ये देखिए फ्रेंड्स हमारी बॉल्स एकदम पक्के तैयार हो चुके हैं अब हम बनाएंगे सब्जी को तो मैंने जिस कढ़ाई में बॉल्स को तैयार किया था उसी में मैंने थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा था तो मैंने निकाल लिया है और उसी तेल में ही हम इसमें डाल लेंगे जीरा और कुछ मैंने खड़े मसाले जो बचाए हुए थे वो डाल दिए हैं लहसुन डाल दिया है और मैंने तेज पत्ता डाल दिया है और कुछ मैंने खड़ी लाल मिर्च डाली है इस तरह से जब हम सब्जी बनाते हैं ना तो सब्ज़ी में हमारी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और सब्ज़ी हमारी बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होती है तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने जीरा डाल दिया है और इसमें मैंने डाली दो चुटकी हींग हींग को आपको जरूर डालना है हींग जो होती है हमारे जो पाचन को वो भी सही रखती है और हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है तो ये देखिए फ्रेंड्स मसाले हमारे भुन चुके हैं अब मैंने डाल दिया है जो हमने लहसुन प्याज और जो ग्रेवी पीस के रखी हुई थी वो मैंने इसमें डाल दी है तो अब हम मसालों को हम अच्छे से भूजेंगे और फ्रेंड्स ये जो मैं आज सब्ज़ी बनाऊंगी तो इसको आपको एक बार बना करके के ट्राई ज़रूर करना है ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में और बहुत जल्दी भी बन जाती है और इसको बनाने का तरीका भी बहुत आसान है हर कोई इसको बना भी सकता है और फ्रेंड्स मैंने पहले भी बताया है कि मैं बहुत ही आसान तरीके से जो भी रेसिपी बनाती हूँ वो मैं बहुत आसान तरीके से बताती हूँ ताकि आप लोग आसान तरीके से इसको बना भी सकें और कोई झंझट भी नहीं है इसको बनाने में तो अब ये देखिए फ्रेंड्स इसमें डाल देंगे हम धनिया पाउडर नमक स्वाद के अनुसार लाल मिर्च पाउडर और यदि आपको सब्ज़ी में कलर पसंद है तो आप लाल देगी मिर्च भी डाल दें इसमें और डाल दें इसमें हल्दी और थोड़ा सा डाल दें इसमें गरम मसाला गरम मसाला हमने ऑलरेडी भी खड़ा पीस के डाला हुआ है तो आप चाहें तो इसमें इसके भी कर दें या फिर आप थोड़ा सा इसमें भुजा हुआ जीरा डाल दें और यदि आपको सब्ज़ी का टेस्ट और भी बढ़ाना है तो आप इसमें थोड़ा सा पनीर मसाला ऐड कर दें तो ये देखिए फ्रेंड्स मसाला बस हमारा भुंजने वाला है और इसके कुछ सीक्रेट हैं तो फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो में वो भी, भी मैं बताऊंगी तो अब ये देखिए मसाले हमारे थोड़ा भुंजने के रह गए थे तभी मैंने इसमें मटर डाल दिया है आप यदि चाहें तो मटर को थोड़ा बॉईल करके डाल सकते हैं इससे आपको पहले डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैंने बॉईल नहीं किया था इसीलिए मैंने मसालों के साथ नहीं इसको डाल दिया है तो अब फ्रेंड्स आती है सीक्रेट वाली बात तो इसमें इस सीक्रेट ये है कि मैंने इसमें डाल दिया भर के बटर यदि आपके पास बटर नहीं है तो आप इसकी जगह खोया डाल सकते हैं या फिर आपके पास दूध की मलाई हो तो आप मलाई भी डाल सकते हैं तो ये देखिए मैंने बटर भी डाल दिया है और कुछ मेरे पास मैं मलाई स्टोर करके रख लेती हूँ तो मैंने इसको डाल दिया है इस तरह से जो हमारी सब्जी की ग्रेवी होगी ना बहुत ही थिक होगी और ये बहुत ही सब्जी स्वादिष्ट बन के तैयार होगी मैं ज़्यादातर बेटी जो बनाती हूँ तो मैं मलाई ही यूज करती हूँ क्योंकि मेरा घर का दूध रहता है तो उसमें बहुत सारी मलाई निकलती है तो मैं निकाल करके उसको रख लेती हूँ फ्रिज में तो ये देखिए सब्जी हमारी बस मसाला हमारा भुन चुका है और हमने इसमें डाल दिया है आधे गिलास करीब पानी तो हमें पानी थोड़ा सा अभी हम ज़्यादा डालेंगे क्योंकि अभी हमें सब्ज़ी में थोड़ा मटर कम पका हुआ है तो हमें मटर को भी पकाना है और यदि आपका मटर पका हुआ है तो आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना है आपको थोड़ी ग्रेवी को थिक ही रखना है क्योंकि इसकी जो सब्ज़ी होती है जब ग्रेवी थोड़ी थिक रहती है ना तभी इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा लगता है और फिर आपको जैसे भी पसंद हो आप उसी अनुसार इसको बना करके तैयार कर लें तो ये देखिए फ्रेंड्स अब हमने इसमें तो देखिए पानी में हमारा एक बॉल आ चुका था अब मैंने इसमें डालनी है अपनी सारी फ्राई की हुई बॉल्स अब आप सोच रहे हों कि बॉल्स को हमने बाद में क्यों डाला तो फ्रेंड्स मैंने इसलिए बॉल को बाल में डाला है क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि मैंने बहुत सॉफ़्ट वाले कोफ्ते बनाए हुए हैं यदि मैंने क्रिस्पी वाले बनाए होते तो मैं इनको पहले ही डाल देती ये पहले से बहुत सॉफ्ट हैं और यदि हम ज़्यादा पहले डाल देंगे तो हमारे कोफ्ते इसमें पानी में घुल जाएंगे तो इसीलिए आपको इसको बाद में ही डालना है बस थोड़ा सा और पकाएंगे और ये देखिए सब्जी हमारी बन के रेडी हो चुकी है इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी और हरा धनिया से इसको हम सर्व कर 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 देंगे तो फ्रेंड्स हमारी कोफ्ते आलू की सब्जी बन के एकदम रेडी है और देखिए आपके तो मुँह में आ रहा ना देख के ही पानी तो फ्रेंड्स आप कब बना रहे हैं ये हमें कमेंट करके आप जरूर बताइए और आज की रेसिपी कैसी लगी ये भी जरूर बताइए तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही कल फिर मैं लेके आऊँगी नई रेसिपी के साथ में तब तक, तक के लिए आप लोग ओके बाय बाय सी यू